अधीक्षक महोदय, महोबा श्रीमती सुधा सिंह के द्वारा थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र के अंतर्गत आल्हा चौक और कीरत सागर तट पर डायल 112 के प्रचार स्टॉल सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया और डायल 112 के प्रचार प्रसार और आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को डायल 112 की पंपलेट और खेल सामग्री वितरित की गई। घुमाओ 112 की क्या पहल और किस तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये यूपी 112 के हेडक्वार्टर्स के द्वारा ये आदेशित किया गया था कि 30, 31 और 1 तारीख को 3 दिवसीय ये जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें 112 से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में और जो वो विभिन्न तरीके से संचालित की जाती है उसके बारे में सभी जन सामान्य को इससे परिचित और अवगत कराया जाए। उसी के संदर्भ में आज इसकी शुरुआत हुई है और ये 1 तारीख तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों से लेकर और सभी महिलाओं को और पुरुषों को, सभी को हम लोग जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी इसको जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं कि 112 से संबंधित क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में सभी हमारे नागरिकों को इसकी जानकारी हो सके और इसका वो 112 से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ उठा सके। 112 की क्या पहल और किस तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये यूपी 112 के हेडक्वार्टर्स के द्वारा ये आदेशित किया गया था कि 30, 31 और 1 तारीख को 3 दिवसीय ये जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें 112 से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में और जो वो विभिन्न तरीके से संचालित की जाती है उसके बारे में सभी जन सामान्य को इससे परिचित और अवगत कराया जाए। उसी के संदर्भ में आज इसकी शुरुआत हुई है और ये 1 तारीख तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों से लेकर और सभी महिलाओं को और पुरुषों को, सभी को हम लोग जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी इसको जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं कि 112 से संबंधित क्या क्या सुविधाएँ हैं उसके बारे में सभी हमारे नागरिकों को इसकी जानकारी हो सके और इसका वो 112 से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ उठा सके। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से ब्यूरो रिपोर्ट।